हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन IAS। देखिए हम लोग मैप मेकिंग की क्लासेस देख रहे थे और इस मैप मेकिंग की क्लासेस में आज हमारा डे 3 है। लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने कुछ लोकेशंस देखी थी। लेट अस कंटिन्यू आवर टुडेज डिस्कशन। स्टार्ट करने से पहले ये हमारे कुछ नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी गई हैं जिसका आप लोग यूज कर सकते हैं हम तक रीच आउट करने के लिए, अपने डाउट को पूछने के लिए। इसके अलावा हमारे कुछ कोर्सेज भी अवेलेबल हैं जिसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देकर के रखी गई है। You can also subscribe us for test series. These are the available test series. Start करते हैं हमारा आज का जो map making है, ये हम लोगों ने day 1 देखा था, फिर हम लोगों ने day 2 देखा था और आज हमारा day 3 के बारे में अगर देखते हैं तो मैंने आप लोगों को पहले ये locations दे दी गई थी, काराकोरम माउंटेन की, देवसाई माउंटेन की, लद्दाख की, जास्कर की एंड द ग्रेट हिमालय एंड शिवालिक हिल्स की। कुछ लोगों ने इसके बारे में 30 words 40 words जो लिखने होते हैं वो लिख करके भेजा भी था। बहुत ही अच्छी बात है, आप लोग इस तरह से अटेम्प्ट कर रहे हैं, काफी अच्छा प्रोडक्टिव यूज कर रहे हैं अपने लॉकडाउन का। पहले हम लोग एक काम करते हैं, फटाफट इसकी लोकेशंस देख लेते हैं और फिर इसके बाद से हम लोग इसके जो 30 words होते हैं उसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो फटाफट देखते हैं इनकी लोकेशन। तो देखिये सबसे पहले काराकोरम रेंज है, तो आप देखेंगे काराकोरम रेंज ये हमारी टॉप पे बनी हुई है। दिस इज द ग्रेटेस्ट हिमालय का पार्ट हो जाता है, जो इनर हिमालय जिसको बोल सकते हैं हम लोग। इसके अलावा लद्दाख उसके जस्ट नीचे है, इसके नीचे जस्ट जास्कर रेंज है। इन दोनों पे अगर आप देखेंगे तो यहां पर देखिए बीच में आपको इंडस रिवर दिखेगी। देखिए जो लद्दाख और जास्कर के बीच से निकल रही है इंडस रिवर। इसके अलावा पीर पंजाल रेंज हम लोगों ने लास्ट क्लास में ही देख रखा है। इसके बाद ये हमारी ग्रेटेस्ट हिमालय ग्रेटर हिमालय हो जाती है, जहां पर छोटे छोटे पीक्स हैं, हम लोग पीक के लिए अलग से करेंगे। फिर ये हमारी शिवालिक रेंज हो जाती है, शिवालिक रेंज के बारे में। और उसके बाद से हम लोगों ने एक दोशाई रेंज देखा है जो कि हमारा पीओके रीजियन में, देखिए यहाँ पर बना नहीं है बट ये पीओके रीजियन में है, दोशाई हिल्स। क्लियर हो गई, सारी लोकेशंस आप लोगों ने मार्क कर लिए, एटलस लेकर के बैठा करिए। तो ये हम लोगों ने देख लिया हमारी जो लोकेशंस है। अब हम लोग आते हैं हमारे 30 word वाले पॉइंट पे और 30 word में सबसे पहले आता है हमारा काराकोरम माउंटेन। काराकोरम माउंटेन के बारे में देखेंगे तो द माउंटेन इज पार्ट ऑफ ग्रेटर हिमालय एंड बाउंडेड ऑन द नॉर्थ ईस्ट बाई द एज ऑफ तिब्बतन प्लेटू। देख ही सकते हैं ऊपर तिब्बत का पठार था और नॉर्थ में पामीर नॉट है, तो पामीर नॉट एक साइड में हो जाता है जिससे तीन रेंज निकली है, दैट इज हिमालय, कुल्लू शियान एंड जो हमारी हिंदू कुश की श्रेणियां हैं। तो ये हमारी रेंजेस निकली हुई है। फिर इसके बाद से बोला इट इज होम टू द हाइएस्ट कंसेंट्रेशन ऑफ पीक्स, इकोलॉजिकल एंड स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस कैन नॉट बी इग्नोर्ड। तो ये जो है 30 word इस तरह से आप लिख सकते हैं। दिस इज जस्ट टू गिव यू एन आइडिया अबाउट हाउ टू राइट। इसके अलावा हम लोग देख सकते हैं फिर दोशाई हिल्स के बारे में है। दोशाई हिल्स जैसा कि हम लोगों ने देखा कि ये हमारी पीओके रीजन में आ रही है, तो ये क्या हो जाएगी, द रेंज इज इन हिमालयन माउंटेन सिस्टम इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट विच इज लोकेटेड इन वेस्टर्न सेंट्रल पार्ट ऑफ पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। द मेन बॉडी ऑफ दोशाई माउंटेन इज कंपोज ऑफ सेडिमेंट्री रॉक ऑफ प्री कैम्ब्रियन एरा। तो मैंने यहां पर थोड़ा सा जियोलॉजिकल टाइम स्केल का भी यूज कर लिया क्योंकि अगेन दिस हैज इट्स इंपॉर्टेंस और हम लोगों ने पढ़ा है तो कहीं ना कहीं इसका यूज तो कर ही लेना चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं लद्दाख के बारे में। लद्दाख में हाइएस्ट प्लेटू ऑफ द स्टेट ऑफ कश्मीर श्योक रिवर इन नदन पाकिस्तान क्रॉस नदन इंडिया टू तिब्बतन प्लेटू। द रेंज पैरल्स द इंडस रिवर, अभी हम लोगों ने देखा, एंड आर बॉर्डर्ड बाई काराकोरम इन द नॉर्थ एंड हिमालय इन द साउथ, मेनी इंपॉर्टेंट रिवर्स फ्लोस थ्रू इट। इस तरीके से हम लोगों ने ये भी लोकेशन लिख लिया। फिर हमारी आ जाती है जास्कर के बारे में। द माउंटेन रेंज ऑफ हिमालय सिस्टम सिचुएटेड इन नॉर्दर्न इंडिया एंड वेस्टर्न तिब्बतन एरिया, इंडस रिवर पैरल्स टू इट, अगेन लद्दाख और जास्कर काइंड ऑफ कॉमन आप कह सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस मेनी रिवर क्रॉस ओवर इट, इट इज द पार्ट ऑफ टेथिस हिमालय एंड हैव हाई इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। तेथिस हिमालय एंड ऑल दैट यू विल लर्न ऑल दिस इन द नेक्स्ट चैप्टर, फिजियोग्राफी के बारे में जब हम देखेंगे तो वहां पर आपको ये पूरा जानकारी हो जाएगी। आगे लोकेशन देखते हैं तो हमारी नेक्स्ट लोकेशन आती है हमारी ग्रेट हिमालय के बारे में और शिवालिक हिल्स के बारे में। तो आप देख सकते हैं कि ग्रेट हिमालय के बारे में अगेन ये बहुत बड़ा माउंटेन रेंज हो जाता है, तो लिख सकते हैं कि द नंदन मोस्ट ग्रेट एंड हायर हिमालयास विद हाई क्रेस्ट आर कंपोज ऑफ एंशियंट क्रिस्टलाइन रॉक्स एंड ओल्ड मरीन सेडिमेंट्री रॉक। तो अगेन यहां पर एक जनरल टर्म ना लिखने की बजाय ज्योग्राफिकल टर्म जबरदस्ती लिखने की कोशिश की गई है, क्योंकि सीधी सी बात है ये एक हमारा ज्योग्राफी ऑप्शनल का ये टॉपिक है और इस वजह से हमें ये टॉपिक ये टर्म्स इस तरह से लिखने ही पड़ेंगे। द रेंज हैज हाई इकोलॉजिकल एंड स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, ठीक है। शिवालिक के बारे में सेम चीज वही लिख दी गई है कि सदर्न मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय
साउथ सेंट्रल एशिया एक्सटेंडिंग फ्रॉम साउथ वेस्ट कश्मीर थ्रू नॉर्थ इंडिया इनटू साउथ नेपाल पैरेलिंग द मेन हिमालयन रेंज। देखिए मैंने जो यहां पर लिखा हुआ है काफी लॉन्ग लॉन्ग स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं, आप देखिए कट शॉर्ट करके शॉर्ट स्टेटमेंट लिखने की कोशिश करिए, बहुत लॉन्ग स्टेटमेंट भी अट्रैक्टिव नहीं होते हैं, ये ज्यादा कह लीजिए कि नहीं लिखे जाने चाहिए। दीज रेंज आर नोटेड फॉर देयर वास्ट वर्टिब्रेट फॉसिल बेड्स। ठीक है, ये हमारी हो गई सारे लोकेशन के बारे में, सारे लोकेशन के बारे में हम लोगों ने 30 वर्ड देख लिया और लोकेशंस भी देख ली। कल के लिए आप लोगों के लिए लोकेशन ले लीजिए आप लोग, डे 4 के दीज आर द लोकेशंस, अरावली हिल्स हो गई, विंध्याज हो गई, सतपुड़ा हो गई, मैकाल हो गया, वेस्टर्न घाट हो गया, महादेव हिल्स हो गया एंड राजमहल हिल्स। आप लोग इसको लोकेट करिएगा, लोकेट करने के बाद आप अपने 30 वर्ड्स इसके आंसर्स लिख सकते हैं, लिख करके आप मुझे टेलीग्राम कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये सारी डिटेल आपको कॉन्टैक्ट की आपको पहले स्लाइड में ऑलरेडी दिखाई जा चुकी है। चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नए डिस्कशन के साथ, डे 4 के डिस्कशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।